राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 122वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर ने बहस के दौरान अपनी सीनियर अफसर पर ही गोली चला दी और इसके बाद खुद को गोली से उड़ा लिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह भी पता चला है कि सब इंस्पेक्टर ने जिस सीनियर को बहस के दौरान गोली मारी वह इंस्पेक्टर था। बहस किस बात पर हुई यह पता नहीं चल पाया। फायरिंग और सुसाइड की यह वारदात दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में लोधी एस्टेट में शुक्रवार रात को हुई। वहीं सीआरपीएफ की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीआरपीएफ की 122वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर कर्नेल सिंह 55 वर्षीय ने सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर दशरथ सिंह 56 वर्षीय को शुक्रवार रात गोली मार दी। इसके बाद कर्नेल सिंह ने खुद को भी गोली मार ली है। जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात को किसी बात को लेकर सब इंस्पेक्टर कर्नेल सिंह और इंस्पेक्टर दशरथ सिंह के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। कुछ ही देर में यह विवाद हिंसा में तब्दील हो गया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने पहले इंस्पेक्टर को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग में दोनों की मौत हो गई है।